ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल के नॉर्थ जोन में आपराधिक गतिविधियों और इनको रोकने के लिए दूसरे विभागों के सहयोग के लिए धर्मशाला में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। नॉर्थ जोन के डीआईजी संतोष पटियाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हर प्रकार के अपराधों पर चर्चा की गई और इन्हें कैसे रोका जाए इस पर भी अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए। हिमाचल के नॉर्थ जोन में आपराधिक गतिविधियों और उनको रोकने के लिए दूसरे विभागों के सहयोग से धर्मशाला में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। नॉर्थ जोन के डीआईजी संतोष पटियाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हर प्रकार के अपराधों पर चर्चा की गई और इन्हें कैसे रोका जाए इस पर भी अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए। बैठक में महिला अपराधों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं पुलिस थाना में आने वाले हर व्यक्ति की बात सुनने के निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए गए। बैठक की अध्यक्षता डीआईजी नॉर्थ जोन संतोष पटियाल ने की। बैठक में जिला कांगड़ा चंबा व ऊना के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। संतोष पटियाल ने बताया कि बैठक में अपराधों व अन्य मामलों की समीक्षा की गई। संतोष पटियाल ने बताया कि बैठक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों पर चर्चा की गई है। पूर्व में जिस एरिया में ड्रग पेडलर और ड्रग एडिक्ट अधिक होते थे उन क्षेत्रों में अब काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में है। ड्रग समाज के लिए बहुत खतरनाक एंगल है जिस पर हम काम कर रहे हैं। नशा निवारण कमेटियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करके नशे के खिलाफ काम किया जा रहा है। डीआईजी ने बताया कि खनन एक्ट में 36 के लगभग विभाग हैं जिन्हें कार्रवाई का अधिकार है। खनन के मामलों में नॉर्थन रेंज चालान भी बड़े हैं, जुर्माना भी बड़ा है। खनन विभाग का भी ऐसे मामलों में सहयोग लिया जाता है। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में कार्रवाई में इजाफा किया गया है। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पुलिस थाना में जो भी व्यक्ति आता है उसकी बात सुनी जाए, न कि उसे जज किया जाए। जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा तो पुलिस को जनता का सहयोग भी मिलता और जनता का भला भी होता है। सही में देखा जाए तो जनता ही पुलिस की ताकत है। आज हमने जो नॉर्दर्न रेंज के डिस्ट्रिक्ट के तीनों एसपी और उनके साथ जो गश्त अफसर थे, इनके साथ जो रेंज के क्राइम और बाकी जो फंक्शनिंग थी उसके रिव्यू मीटिंग रखी हुई थी, इसमें सारे इश्यूज पे थ्रेड बेयर डिस्कशन हुआ। क्राइम का प्रिवेंशन का, डिटेक्शन का, और साथ साथ में जो बाकी चीज़ें हैं पुलिस की फंक्शनिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी हैं, उस इश्यूज़ पे सारी डिस्कशन हुई है। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो पीछे काफ़ी समय से आप जहाँ पे जिस एरिया में कुछ साल पहले बोला जाता था कि इसमें जो है वो ड्रग पेडलर्स और ड्रग एडिक्ट के लिए फ्री का हेवन का एरिया है।